कोरोना वायरस के बीच योद्धाओं की तरह काम कर रहे अजमेर की दरगाह थाना पुलिस के लिए सूरज लोहार और उनके साथियों द्वारा ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है। यह मशीन दरगाह थाने के मुख्य द्वार पर लगाई गई, जिससे कि तमाम आने जाने वाले पुलिस के जवानों के साथ ही परिवादियों को सैनिटाइजर किया जा सके और यह संक्रमण पुलिस के जवानों में न फैल सके। गौरतलब है कि अजमेर के दरगाह क्षेत्र में बड़ी संख्या में कोरोना वायरस का प्रभाव है, ऐसे में सभी लोग सुरक्षित रहें और पुलिस के जवान इस महामारी में अपनी ड्यूटी सुरक्षित ढंग से कर सकें, इसी उद्देश्य से यह सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है। इस सैनिटाइजर ऑटोमेटिक मशीन को बनाने में 3 से 4 दिन का समय लगा और करीब 13,000 रुपए का खर्च आया है, जिसमें विभिन्न सैनिटाइजर करने की वस्तुएं डाली गई हैं, जिसके माध्यम से यह कार्य किया जा रहा है। जी भैया, बताइए आज आपने किस तरह की मशीन सैनिटाइजर। सर, ये पूर्ण जैसे कोरोना की संक्रमिकता बढ़ती जा रही है अजमेर दरगाह थाना क्षेत्र में, तो उस हालात को देखते हुए हमने ये पूर्ण बॉडी सैनिटाइजिंग मशीन दरगाह थाना क्षेत्र में करी है, यहाँ लगाई है, फिक्स करी है। इसमें हमारे मेन कर्ता धर्ता भैया हैं, राज पांचाल भैया हैं, सूरज भैया हैं, मैं हूँ और भी बाकी का संयोग है, 2-3 भाई हैं। आपको कितने दिन लगे इसे बनाने में? सर, 4 से 5 दिन। और कितना खर्चा आया होगा? 13,500 रुपये। 13,500 का आया है। और इसमें क्या क्या वो आप डालते हो? सर, कुछ भी जो बॉडी मतलब जो सैनिटाइजिंग का काम करे, जैसे डिटॉल हुआ या कोई भी दूसरा सैनिटाइजर जो पर्याप्त हो, ऑलमोस्ट 350-400 ml के आसपास 10 लीटर में अपन डाल सकते हैं, उससे पूरी सैनिटाइजिंग का वो पर्याप्त रहेगा। आप और लोगों से क्या कहना चाहेंगे सैनिटाइजर की मशीन के बारे में, कि और लोग भी ऐसी पहल करें? करनी चाहिए बिल्कुल, अपने घरों के लिए, अपने मोहल्ले के लिए सब। मतलब पहली बात तो ये कहना है कि यार स्टे होम, स्टे सेफ, बाहर मत निकलो, सेफ रहोगे, इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी इतनी, और सैनिटाइजर वगैरह का इस्तेमाल करिए। आज दरगाह थाने के मुख्य गेट के ऊपर जन सहयोग से सैनिटाइजर टनल लगाई गई है, क्योंकि जन काफ़ी दानदाताओं का यह था कि साहब अब यहाँ ये हॉटस्पॉट टाइप का एरिया बढ़ रहा है, काफ़ी पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं, तो पुलिस जाब्ता भी सुरक्षित रहे, इसके लिए लोगों ने पुलिस के मनोबल बढ़ाने के लिए ये सैनिटाइजर टनल लगाई है। निश्चित रूप से जवानों को फ़ायदा होगा, साइकोलॉजिकल फ़ायदा भी होगा। सर, ये पहल के बारे में क्या कहना चाहिए? इसमें चूँकि डिप साहब ने मोटिवेट किया था बामा साहब को, जिनके डिप साहब के मोटिवेशन से उन्होंने किया, सीनियर अधिकारियों का सभी का था। पहल अच्छी पहल है? नहीं, बहुत अच्छी पहल है, निश्चित रूप से साइकोलॉजिकल पावर तो मिलता है, मोटिवेशन मिलता है जाबते को।